ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल पहले ले लेते हैं। तो मेरा पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर वेरिएबल मेरा टी है, एक्स के जगह पे वेरिएबल टी है। तो एक्स स्क्वायर टर्म तो है लेकिन एक्स टर्म नहीं है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं या डायरेक्टली ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 लेते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग टी स्क्वायर प्लस 0x, जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट हम लोग 0 ले लेते हैं, माइनस 15। अब कोएफिशिएंट ए इक्वल टू टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब ए है। बी एक्स का कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट मेरा सी इक्वल टू माइनस 15 है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं। तो लेट टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 राइट साइड में चला जाएगा। देयरफॉर टी इक्वल टू, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 15 होगा। यानी कि अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 15 प्लस और बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ये इसके जीरोज हो गए यानी सॉल्यूशन निकल गया। ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज़ रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो चलिए सम ऑफ जीरोज हो गया। अब माइनस बी बाई ए का वैल्यू निकालते हैं। तो बी हम लोगों का क्या है, 0 है और ए 1 है। 0/1 माइनस साइन लगा सकते हैं। एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन हो गया। इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, दिस इक्वल टू दिस आता है। देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15। तो 15 और 15 को जब हम लोग इंटू करेंगे अंडर रूट में तो ये हो जाएगा 15, और इस माइनस साइन के कारण ये नेगेटिव माइनस 15 हो गया। अब सी बाई ए का वैल्यू निकालते हैं। सी बाई ए, तो देखिए सी आपका माइनस 15 आया था, तो माइनस 15 और ए हम लोगों ने 1 निकाला था, दैट इज़ 1। सो दिस इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 15 आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशंस वेरीफाई हो गया। मीन्स हम लोगों ने क्या लाया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ये वेरीफाई हो गया, दिस इज़ वेरीफाइड एंड जीरोज आर माइनस अंडर रूट 15 एंड माइनस रूट अंडर 15। तो ये जीरोज फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और ये दोनों वेरिफिकेशन हो गया।
तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।